हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम डी ऑफिशियल। और मैं हूं ब्लैक साउथ। तो आज आपके सामने है टीम विलन 25 की और दूसरी तरफ टीम के एस फोर जो कि टेक्निकल केकिक स्क्वाड। तो टीम डी की चैंपियन लीग आ चुकी है ग्रुप डी की तरफ, मैच नंबर 7। तो गेम देखते हैं कैसा होने वाला है। और बात करें तो के एस स्पोर्ट्स की तरफ से स्केरी गेमर और ब्लैक हॉक और इंसेन और साथ के साथ अरसलान, और दूसरी तरफ बात करें तो विलन 25 की तरफ से खुद विलन 25 साथ के साथ SF, चाचा FF, नितिन FF और स्मार्टी FF। तो ये है पूरी विलन 25 की स्क्वाड। काफी गंदा मैच होने वाला है दोनों स्क्वाड के बीच में। डेजर्टिकल यूज करते हुए मूवमेंट, रफ्तार, स्पीड सबके पास, हर एक बंदे के पास। कौन कैसे परफॉर्म करेगा देखने वाली बात होगी। काफी बड़ा गेम, काफी बड़ी गिल्ड, काफी बड़े नाम, काफी बड़े बंदे दोनों तरफ। और यहाँ पे देखते हैं कैसा गेम चलेगा। स्टार्टिंग में फायर हो चुका है स्केरी गेमर जो कि KS स्पोर्ट्स को लीड करने के लिए आया है। दूसरी तरफ विलन 25 जो कि अपनी स्क्वाड को लीड करने के लिए आए। तो काफी बड़ा मैच होने वाला है इन दोनों के बीच में। और यहाँ पे दोनों टीमों के चार चार बंदे जिंदा। ब्लैक हॉक की हेल्थ 106 की, अपने आप को हील करते हुए इंसेन के सामने बंदा 90 का दिया अरसलान, और अरसलान को यहाँ पे नॉक ले लिया गया है। तो दिक्कतों में आ चुकी है यहाँ पे देखते देखते KS स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे स्केरी गेमर के सामने 3v2 सिचुएशन, पूरा ट्रैक की कोशिश, और विलन 25 पूरी मजबूताई के साथ समुराई बंडल में आगे बढ़ते हुए, और 3v2 सिचुएशन हो गई है। तीन बंदे बचे विलन के, और देखते ही देखते दो बंदे बचे KS स्पोर्ट्स के जो कि टेक्निकल के स्क्वाड है। जी हाँ, और यहाँ पे दो बंदे बचे KS और स्केरी गेमर। तो देखते क्या होने वाला है। 2v3 सिचुएशन है भाई, पूरी की पूरी मैच चेंज होता नजर आ रहा है। यहाँ पे कौन सी टीम पहला राउंड लेगी देखने वाली बात होगी। 11 राउंड का मैच, लिमिटेड एमो 2, टीम डी चैंपियन लीग का ग्रुप डी का मैच, मैच नंबर 7। और दोनों टीमें भारू भरकम। और यहाँ पे इंसेन के सामने बंदा डैमेज दिया विलन 25 को, काफी अच्छी हेल्थ है। एक गोली को बचा विलन 25, और रस मार दिया है। ओ क्या बॉल लगाई विलन 25 की, और सामने बंदा भाई क्या बच रहा है, बंदा है कौन पीला। ओ भाई 5 की हेल्थ पर बच के भागा और नॉक हो जाएगा, अकेले बच गए स्केरी। तो स्केरी देखते हैं क्या करेंगे। 1v3 सिचुएशन सामने पूरी स्क्वाड विलन 25 की, और यहाँ पे देखते देखते स्केरी की स्क्वाड खत्म राउंड के अंदर। और यहाँ पे देखते हैं विलन की स्क्वाड कंटिन्यू डोमिनेट करती रहेगी, अस्केरी वापसी कराएंगे। MP5 लेके आए, अस्केरी के पास स्पीड रफ्तार है बहुत ज्यादा, क्योंकि बंदा बहुत भाई रेड नंबर्स में खेल गया अस्केरी रेड नंबर्स में, और दूसरे बंदे को भी लाल कर दिया भाई, दो तीन बंदों को लाल कर दिया इस लड़के ने लिटरली। और पीछे से चाचा भाई, चाचा क्या बजा रहे हैं पीछे से, काफी अच्छे चाचा डैमेज देते हुए। यहाँ पे बात करें तो सामने पूरे 3v3 सिचुएशन, दोनों टीमों में तीन तीन बंदे अलाइव। विलन 25 की टीम चढ़ के खेल रही है पूरी की पूरी, 4v3 सिचुएशन चलते हुए। यहाँ पे देखते क्या होने वाला है, एक अपनी गिल में भी डी चाचा करके था, और यहाँ पे देखते क्या होने वाला है। 4v3 पूरी धकेल दिया है पीछे की तरफ, और यहाँ पे ब्लैक हॉक सामने स्केरी गेमर्स को नॉक ले गया। ब्लैक हॉक का एक बंदे को अच्छा खासा डैमेज, एक को ले गया, दूसरे को भी ले गया ब्लैक हॉक पूरे मूड में खेल, तो एक्सपीरियंस की कमी नहीं ब्लैक हॉक के अंदर। तीसरे बंदे को भी ले जाएगा, ओ भाई ब्लैक हॉक ट्रिपल किल भाई, और पीछे से आल लड़के को कवर आना चाहिए ऐसे वक्त पे, तो आना चाहिए भाई लिटरली। ओ भाई चाचा ट्रिपल किल कर दी, ट्रिपल किल गई लास्ट राउंड के अंदर। देखें तो 2-0 से डोमिनेट कर दिए विलन की स्क्वाड स्केरी गेमर के ऊपर। अब विलन थोड़े से पीछे रुक गए हैं, तो देखते ही देखते क्या वापसी हो सकती है स्केरी गेमर की स्क्वाड की, क्योंकि विलन अब आए थोड़ा लेट हो गए विलन आने में गेम के अंदर, पर इतने में इनकी टीम का एक बंदा खत्म है। तो इस बार वापसी के पूरे मूड में है ये स्क्वाड, पूरी की पूरी एक साथ खेल रही है। और ब्लैक हॉक पूरा एम ढूंढते हुए SKS के साथ 70 का फटका मारेंगे भाई, 60-70 का। ओ भाई बच्चे जा। पूरे तीन बंदे विलन की स्क्वाड के, और सामने चार बंदे स्केरी के। ओ बंदा MP40 ले गए विलन 25 ले गए, इनको पूरा कंप्लीट कर दिया। 2v3 सिचुएशन, किसके दो बंदे किसके तीन बंदे देखेंगे, और यहाँ पे देखते ही देखते स्केरी के तीन बंदे और विलन भी नॉक हो गए। तो चाचा स्मार्टी एक और को ले गए, पीछे से बंदा आया हील कर लेंगे बहुत बढ़िया, और पीछे से डैमेज, और इस बंदे को कंप्लीट कर देंगे क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बार की MP40 है, बॉडी शॉट से ले जाएंगे और ले गए। तो एक बंदा बचा और स्क्वाड की वापसी होती हुई यहाँ पे चौथा राउंड मार्स इलेक्ट्रिक्स का, और स्केरी के हाथ में MP5 सामने विलन की स्क्वाड विलन 25 की। तो देखते हैं क्या होने वाला है विलन 25। और यहाँ पे न्यू एयर MP40 यूज करते हुए बंदे को ड्रैग के लिए, और हेलमेट वेस्ट नहीं लिए विलन 25 ने, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। बिना हेलमेट वेस्ट के खेलना तो भाई समझ लो खुद के पांव पे नहीं, पूरे ऊपर कुल्हाड़ी डाल लेना। और यहाँ पे पूरी स्क्वाड जिंदा है, और स्कार कौन यूज कर रहा है भाई, यो स्कार कौन चला रहा है, इंसेन स्कार यूज करते वक्त, और एक बंदा नॉक विलन की स्क्वाड का। तो यहाँ पे स्मार्टी को ले लिया गया, यहाँ पे स्मार्टी को क्या हेल्प मिल पाएगा देखने वाली बात होगी। और कंटिन्यू डोमिनेट करते हुए यहाँ पे स्केरी की स्क्वाड वापसी हो गई है, काफी टक्कर का मैच चल रहा है। जी हाँ, इस चैंपियन लीग के अंदर सिर्फ 24 टीमें खेलने वाली है जो कि एक से बढ़कर एक, और यहाँ पे वापसी हो गई है विलन 25 अकेले बच गए हैं। देखते देखते पूरी स्क्वाड उखड़ चुकी है विलन 25 अकेले, सामने तीन बंदे पूरी स्क्वाड के, 1v3 सिचुएशन सामने बंदे तीन बंदे एक साथ मारने वाले यहाँ पे, और बचे वॉल लगाई और डैमेज आया सामने बंदा, वॉल लगी और खत्म।
और क्या तो हील करते हुए अपने आपको दो मेडिसिन लगाएंगे, मेडिसिन खत्म करा दिया एक बंदे की, काफी अच्छा। इसके लिए गेमर राइट से आ चुके हैं तो इनके राइट से कोई ना जाए, विलन पीछे वेट कर रहे हैं पूरा क्या हुआ इनके साथ, कुछ तो लोचा चल रहा है विलन के साथ साथ। और ब्लैक हॉक डाउलेट एफ आर के एमपी को टीच करते हैं, सामने बंदा डैमेज खा चुके हैं ब्लैक हॉक, तो देखते क्या होगा। सामने बंदे को देख लिया, बैठे मारा पर नहीं मारा ब्लैक, और यहाँ पे विलन आ चुके हैं 25, एक था विलन और दो थे विलन और खत्म, एक बंदा नॉक हो चुका है यहाँ पे, पीछे से दो बंदे और शॉट किसी में कनेक्ट नहीं हुआ, बैठे और खड़े हुए भाई क्या खेल रहा है, बंदे आया बैठ गया उसके सामने फिर खड़ा हुआ फिर मार दिया, क्या गेम प्ले विलन 25 का। वही बात करें तो स्केरी गेमर आ चुके हैं, अब स्केरी गेमर का गेम प्ले देखने वाली बात होगी। यहाँ पे बात करें तो ब्लैक हॉक अकेले जड्डा जूट में लड़ते हुए और अकेले स्केरी बच गए, ज्यादा वापसी और यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे 1v2 सेशन, चाचा और विलन दोनों एक साथ और स्केरी अकेले, और अपने आपको हील करेंगे या फिर रोकेंगे, और बंदा खत्म करने के लिए आया था बट उससे पहले भाई एम नहीं आ पाया, पीछे से आ चुके हैं विलन, शायद विलन के तरह विलन आ चुके हैं, और स्केरी विलन को नहीं देख लिया और बंदे पर डैमेज दे दिया चका और चौकी हेल्थ और पीछे से शॉट और विलन की डबल किल, विलन 25 आ चुके हैं गेम के अंदर फिर से वापस, और उड़ीसा का लेजेंड विलन 25, जी हाँ ये बंदा उड़ीसा का रहने वाला टॉप प्लेयरों में से एक विलन 25 सामने इनके पूरे स्क्वाड स्केरी गेमर जो कि टेक्निकल के स्क्वाड के एसी स्पोर्ट्स, तो 4v4 सिचुएशन ओम तोड़ते हुए कंटिन्यू, और बंदे में घुस गए अंदर और शॉट मार रहे हैं, और वो कौन किसको मारने वाला है, और यहाँ पे रैपिड फायर ब्लैक हॉक अपने बंदे को बचाएंगे, ये बेटर, और यहाँ पे स्मॉल जगह छूट गई बॉल लगा ले तो बेटर होगा अदरवाइज, और बच गए। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी कौन सी टीम किस पर प्रेशर बनाने वाली है, और यहाँ पे उड़ीसा का लेजेंड फिर से सामने आ चुका है 25, वन टैप लगाए बंदे को, जी हाँ वन टैप लगाए, इतनी हम कहेंगे अरसलान को नहीं लगाए इंस्टेंट को लगाए, और यहाँ पे 3v4 सिचुएशन विलन की स्क्वाड थोड़ी सी प्रेशर में आ चुकी है, स्मार्ट इन नितिन और चाचा, और 3v3 फिर से मैच बदलता हुआ यहाँ पे चाचा नितिन और स्मार्टी, और यहाँ पे इंसेन गेम प्ले दिखाने को, और एक और बंदा नॉक हो गया है विलन 25 का, स्मार्टी को नॉक ले लिया गया है यहाँ पे। बात करें तो नितिन यहाँ पे फील करने आ गए, हील अप मिलता हुआ अपने बंदे को, और 3v3 साइड में बंदा है, और देख लिया यहाँ पे इंसेन देखते क्या करने वाले इस गेम के अंदर, और यहाँ पे थोड़ा सा बंदे को नॉक तो कर दिया, यहाँ पे 2v3 सिचुएशन हो गई है, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है स्केरी गेमर की स्क्वाड इस गेम को ले जाएगी विलन 25 से के हाथों से मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि 2v3 सिचुएशन है, और स्मार्टी हील करते हुए नितिन ओ बाइक क्या शॉट धरे, दो शॉट धर दिए बंदे में, दो शॉट और बंदों में घुसेंगे दो में भाई, MP40 और ओम एक साथ चल रही है स्केरी गेमर भाई, स्केरी गेमर को चलूंगा क्योंकि ये बंदा बड़ी गंदा जा रहा है भाई बंदों को, ओ भाई विदाउट स्कोप ओम चलते हुए यहाँ पर, और ये बंदा फिर से हील हो गया, तो इसने गेम चेंज कर दिया, ये 100 की हेल्थ आ चुका है, फिर से 130 की हेल्थ हो चुकी है, और गेम फिर से चेंज हो चुका है, ये बंदा नॉक हुआ था बट दोबारा से हील हो गया है, यहाँ पे देखते ही देखते 2v2 सिचुएशन फिर से हो गई है, मैच बदल गया, जज्बात बदल गए, अभी दोनों बंदे नॉक कर दिए थे स्केरी की स्क्वाड ने, पर ये हुलू वाली गन से हील हो गया है, ये डॉगी वाला बंदा कौन था, डॉगी वाला नितिन, और यहाँ पे हील कर लिया स्मार्टी को, और स्मार्टी अकेले सामने स्केरी की स्क्वाड, 1v1 सिचुएशन, मैच पलट गया बदल गया, और जोन में एलिमिनेट, और यहाँ पे 50 की हेल्थ है, और खत्म इसी के साथ 3-3 से बराबरी। ओ भाई इस बंदे का नेट गया, तो विलन 25 का इस गेम के अंदर नेट कनेक्शन देखने में मजा आया है हमको, थोड़ा सा नेट के कारण फिर भी इतना अच्छा खेल रहे हैं, तो नेट नहीं है विलन 25 को, और विलन 25 आ चुके हैं वापस शायद मेरे ख्याल से, और आ चुके हैं जी हम 4v4 सेक्शन, विलन 25 का नेट में दिक्कत है, देखते क्या होने वाला है इस गेम के अंदर, विलन 25 की स्क्वाड है स्केरी गेमर की स्क्वाड, 4v4 दोनों स्क्वाड बची है, और यहाँ पे स्केरी ओम चलाते हुए क्लोज रेंज में 150 का फटके के लिए पूरा रेडी, देखते कोई निकलता है किसी नहीं निकलता है, भाई साहब निकल तू मैं मारूं, कोई भी किसी पे अभी तक रस नहीं दे रहा है, कोई बंदा ऊपर चढ़ गया है मेरे ख्याल से, इंसेन को हाइट दे दिया, विलन भी हाइट पे आ गए, तो इधर से विलन और इंसेन दोनों तरफ से एक एक बंदा हाइट पे आ गया, सामने बंदे को देख लिया, डोज देने की दूर ट्राई, सामने बंदा आया और ले गए नॉक हो गए, इतनी देर में तो ओम का फटका आ गया भैया, और यहाँ पे एक और इंसेन की किल आई, और यहाँ पे स्केरी को ले गया 3v3 सिचुएशन, फिर से इंसेन हवा में ऊपर, और यहाँ पर अरसलान नीचे है, अरसलान भी ओम यूज कर रहे हैं भाई, दो बंदे ओम यूज कर रहे हैं इस गेम के अंदर, और बंदे को बस 65 मार दिया है भाई ओपी लिटरली, काफी गंदी ओम यूज होती है इस गेम के अंदर, यहाँ पे शॉर्ट वॉल लगती है, 3v3 मैच चलता हुआ दोनों टीमों का, चाचा नीचे, नितिन नीचे, स्मार्टी नीचे, और अरसलान नीचे, और इंसेन ऊपर, और हॉक नीचे MP40 के साथ स्केरी गेमर का, और बाकी के बंदे तीन नीचे हैं, तो देखते हैं ये दो बंदे क्या करते हैं, अरसलान और ब्लैक हॉक के ऊपर काफी गेम डिपेंड करेगा, क्योंकि ये दो बंदे इस पूरी टीम को हिलाने वाले हैं, बाकी ये तीनों बंदे जोन में वेट करने वाले हैं यहाँ पे, बात करें तो, और एक बंदा इनका ऊपर है, तो इन बंदों को ग्लोबल तोड़ के कुछ करना होगा, इंसेन आराम से बस हाइट के देखते हुए कि मेरे को बस जोन गेम खेलना है पूरा का पूरा, ब्लैक हॉक पूरी ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे बॉल तोड़ने की, बट सामने वाली स्क्वाड जोन में आने नहीं देगी, और अपने बंदे को एक को फंसा दिया यहाँ पे 3v और ये किया वाला है भाई, कौन सी टीम जीतने वाली है, मेरा ख्याल से इंसेन ले जाएगा मैच, क्योंकि बंदे ने बॉल लगा दिया, और इंसेन जी हाँ स्केरी गेमर इंसेन आ चुके हैं आगे की तरफ, अरसलान भी इधर है, और पूरी स्क्वाड घुस चुकी है जी, यहाँ पे भसड़ मच चुकी है पूरी की पूरी मेरे अकॉर्डिंग, और हाँ
फाइव मैन इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो चुकी है, सबकी भसड़ मच चुकी है और एक बंदा नॉक विलन 25 का देखते ही देखते विलन की स्क्वाड में थोड़ा भारी भरकम फरार हो चुका है और विलन ने एक बंदे को नॉक कर दिया है, दूसरे बंदे को अच्छा खासा डैमेज दे दिया विलन और 2v2 सिचुएशन हो गई है। चाचा नितिन एफ अपने ऊपर से गंदा चेहरा फरार कर दिया, सामने वाली स्क्वाड का एक बंदा, अब तो जज्बात वगैरह सब बदल गए, अकेले अरसलान बच गए, तो देखते हैं अरसलान क्या करेंगे। सारे बंदे एक दूसरे को हील करते हुए अरसलान आके ब्लैक हॉक को हील कर लेंगे यहाँ पे मेरे ख्याल से। अब ब्लैक हॉक को भी हील मिलता हुआ तो यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि ये स्क्वाड हारने वाली है इसके लिए गेमर कीपर, यहाँ पे एक साथ गेम चेंज हो गया, अकेले बच गए हैं अरसलान और अरसलान पे पड़ने वाले हैं शॉट दबा दबा के क्योंकि पूरे तीन बंदे एक साथ मारने वाले हैं। 2v2 सिचुएशन जी हाँ, और 2v2 हो गया फिर से मैच और अरसलान क्या गेम दिखा रहे हैं यहाँ पे, 5 किल के साथ खेलता हुआ लड़का, सामने बंदा पीछे से शॉट आया, बॉल डाल ली अपने आगे पीछे और ब्लैक हॉक देखते हैं क्या करने वाले, हील करते हुए ब्लैक हॉक अपने आपको और सामने बॉल लगी है, देखते हैं क्या होने वाला है। ब्लंट 25 का शॉट आ गया इतनी देर में, ब्लंट 25 उड़ीसा का लेजेंड प्लेयरों में से एक बेस्ट प्लेयर उड़ीसा का और अरसलान अकेले बच गए, सामने तीन बंदे पूरे के प्लेयर ब्लंट 25 के और यहाँ पर अपने आपको हील करते हुए भागते हुए 8 की हेल्थ और मेरे ख्याल से ब्लंट की स्क्वाड की हो गई है वापसी 4-4 से, एक बंदा चढ़ गया हाइट में, ब्लैक हॉक आ गए नीचे, ये ब्लैक हॉक की अच्छी रणनीति जी हाँ, नीचे घुस जाओ बात खत्म कर दो बंदे की और यहाँ पे कवर अप यार थोड़ी सी देर थोड़ा सा लेट हो गया अकेले, ब्लैक हॉक के साथ अगर एक दो बंदे आते तो गेम चेंज हो सकता था क्योंकि अकेले आए यहाँ पे, एक बंदा ऊपर है इनको पता है और मार देंगे और यहाँ पे ले जाएंगे ब्लैक हॉक और यहाँ पे ब्लैक हॉक उल्टे नॉक हो गए MP5 के साथ साथ, 3v4 सिचुएशन ब्लैक हॉक सीधा घुसे और नॉक हो गए, 3v4 सिचुएशन में स्मार्टी किल ले गए और नितिन ओ भैया इतनी दूर तक हेडशॉट, दो दो हेड लगे बहुत प्यारा, 3v4 सिचुएशन सामने 4 सिचुएशन, कोई भी टीम किसी पे अभी भी रस नहीं दे रही है, ब्लैक हॉक के सिवाय पूरी टीम जिंदा है यहाँ पे। स्केरी गेमर की बात करें विलन 25 और यहाँ पे विलन 25 को नॉक ले लिया गया और सलाम ना के भाई साहब खोल दिया गया यहाँ पे 2v3 सिचुएशन, स्केरी को नॉक ले लिया है जी हाँ, इन्होंने बस ओम ली थी मेरे ख्याल से, अब इन पे भारी पड़ गई हो तो देखते क्या करेंगे यहाँ पे, देखने वाली बात होगी। 2v3 सिचुएशन अरसलान और इंसेन दोनों नीचे हैं, ये डेट हो गए बहुत लेट है हील के लिए और मिलता हुआ हील तो एक बंदा संभाल दो पूरा अरसलान, ओ भाई अरसलान ने एक को नॉक कर दिया और एक को 112 का मार दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा टीम वर्क करना पड़ेगा और यहाँ पे केसी स्पोर्ट्स और यहाँ पे आ चुके बंदा सामने और 200 बहुत प्यारा इंसेन का अच्छा डैमेज और यहाँ पे डबल बैरल यूज करते हैं स्केरी के पास, बस ओम है तो 2v2 सिचुएशन, मैच बदल गया है यहाँ पे, जज्बात बदल गए हैं दोनों टीमों के, कौन सी टीम जीतने वाली है, मेरे ख्याल से ये टीम बाहर आ चुकी है पीछे की तरफ लेफ्ट की तरफ पर वो समझ लीजिए राइट में, लेफ्ट राइट को समझ नहीं आ रहा है कौन सी टीम जीतने वाली है क्योंकि दोनों बंदे जोन तक पूरा वेट कर रहे हैं यहाँ पे। बात करें तो स्केरी बस 165 पे एक शॉट मार पाएंगे मेरे अकॉर्डिंग से, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे एक बंदा आ चुका है, ओ भैया लिटरली बहुत अच्छा शॉट मारा इसके लिए, देख के मजा आ गया, ओनली विदाउट स्कोप हेड मार दिया भाई, पूरा वेट कर रहा था मैं, यार था 165 को मारेगा और भैया 444 का कड़ा झटका दे दिया वहां पे। बात करें तो ब्लैक हॉक पीछे से कवर देते हुए, अब क्या इन्होंने ओम ली है तो इसके पास ओम है इस बार, तो बात करते हैं क्या होने वाला है इस गेम के अंदर, देखने वाली बात होगी। 5-4 से लीड करते हुए और विलन का एक बंदा नॉक हो गया, क्या इस गेम के अंदर स्केरी की स्क्वाड गेम खत्म करने वाली है या फिर विलन 25 की स्क्वाड वापसी करने वाली है, और देखने वाली बात होगी यहाँ पे दो बंदे नॉक हो गए, देखते स्केरी सामने अब पीछे से विलन 25 को देख लिया, देखते ही देखते और केस और स्केरी बच गए, 2v3 सिचुएशन ब्लैंक विलन की स्क्वाड की वापसी कह सकते हैं इस राउंड के अंदर हम, और चचा को नॉक ले लिया यहाँ पे, चचा नॉक हो गए चचा जी और यहाँ पे विलन आते हुए डबल वैरल के साथ पूरा लोड होने के साथ मजबूताई के साथ आगे बढ़ते हुए, भाई मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है जब भी मैं विलन को स्पेक्टेट कर रहा हूँ ना, क्योंकि भाई इसके डोले सोले बड़े हार्ड दिख रहे हैं तो भाई बड़ा कैड़ा लग रहा है देखने में बंदा, और भाई बात करें स्केरी और इंसेन और आप स्केरी को नॉक ले लिया गया विलन 25 भाई आतंकी मूड में कतई भाई हॉट शॉट कनेक्ट कर रहा है और आपका किला बच गया, इंसेन की हेल्थ 80 की सामने बंदा है और यहाँ पे स्केरी को हील करेंगे, उसको हील करेगा कौन क्या करने वाला है देखने वाली बात होगी। जोन आ गया यहाँ पे दोनों बंदे अपने अपने बंदों को हील करते हुए, नितिन ने विलन को हील कर लिया यहाँ पे, बाहर आ चुके हैं विलन गेमिंग बाहर आ चुके हैं और देखते हैं क्या करने वाले विलन 25 और नितिन इंसेन और ओ ये कैसे चलते चलते बंदा मर गया और यहाँ पे स्केरी अकेले बच गए भाई, लक खराब कह सकते हैं स्केरी की स्क्वाड का क्योंकि चलते चलते बंदा मर गया 5-5 से बराबरी राउंड में। केस इंसेन बहुत गंदा है, 1 मिनट हो गए चलते चलते इनके साथ गिलिच के कारण नॉक हो गए और बंदे का शॉट अच्छा खासा इंसेन का, देखने वाली बात हुई क्या होने वाला है। एक बंदे ने शायद ओम दो ओम चलाती है नितिन, तो 4v4 सिचुएशन लास्ट राउंड पर मैच आ गया, दोनों टीमों के 4-4 बंदे, जो टीम जीतेगी वो मैच जीतने वाली है। T90 लिए ब्लैक हॉक ने और यही बात करें तो इसके लिए MP40 लिए और इंसेन नीचे, दो बंदे ऊपर जा चुके हैं तो यहाँ पे ओम वाले को घेरा जा रहा है पूरा का पूरा और ले भी लिया है तो काफी अच्छे ले लिया और नितिन अपने आपको हील करते हुए बैकअप आते हुए, देखते ही देखते दो बंदे नॉक हो गए यहाँ पे, ब्लैक हॉक को कंप्लीट कर दिया गया है, 3v4 सिचुएशन हो गई है, गेम चेंज हो चुका है पूरा का पूरा
और स्केरी 3v4 सिचुएशन, कैसा गेम चलने वाला, विलन की स्क्वाड जीतने वाली है फिर स्केरी गेमर की स्क्वाड, जहां केएस स्पोर्ट्स टेक्निकल के की ये स्क्वाड आई हुई इस मैच के अंदर, मैच नंबर 7 टीम डी का चैंपियन लीग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो पे एक लाइक ड्रॉप कर देना और एक कमेंट और बताना कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा इस वीडियो के अंदर। और मैच काफी धाकड़ चलता है, 2v4 सिचुएशन, मेरे ख्याल से विलन की स्क्वाड ने वापसी के साथ साथ ये मैच भी जीत लिया है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अब इस गेम के अंदर कुछ बाकी नहीं रह गया है, दो बंदे रह गए हैं सामने, तीन बंदे और यहाँ पे इसके लिए एक बंदे को कंप्लीट कर देंगे। 2v3 सिचुएशन, अरसलान घर के ऊपर वन टैप की पूरी ट्राई और यहाँ पे वॉल डालते हैं अपने ऊपर, तो 2v3 दोनों की हेल्थ बहुत कम, 50-60 की, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से गेम चेंज हो चुका है, अकेले इसके लिए बची है, तो विलन की स्क्वाड इस मैच को ले जाएगी बहुत आसानी से। काफी अच्छा मैच रहा डी का चैंपियन लीग ग्रुप नंबर डी मैच नंबर 7 और यहाँ पे खत्म हो जाएंगे स्केरी, और भाई खोल दिया और खत्म हो गए, ओम से मार दिया डबल किल के साथ, 6-5 से जीत लिया विलन 25 की टीम ने वाला मैच, सबसे ज्यादा किल करी टीम विलन की, तो 9 किल नितिन एफएफ ने करी। और दूसरी तरफ बात करें तो स्केरी गेमर की तरफ से केस इसे 8 किल करी। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी एवरीवन, लव यू ऑल।